हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे मिसेलेनियस एक्सरसाइज 3 के कुछ सिलेक्टिव सिमिलर सम। ठीक है, ये जो सम अभी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेंगे एंड नियर अबाउट सिमिलर सम है। ओके, पहले पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इक्वेशन एडेश इंटू ए इज इक्वल टू आई। मतलब ए ट्रांसपोज एंड ए का मल्टीप्लीकेशन किसके जितना है फ्रेंड्स? आई के जितना। तो मैं पहले यहां पे लिखूंगा एडेश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहां पे मैं एडेश डायरेक्टली लिख रहा हूं, इस मैट्रिक्स का एडेश क्या होगा? एडेश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, तो यहां रो, पहली रो को पहली कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तीसरी रो को क्या करूंगा, तीसरी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा इनटू ए। ए की जगह पे आपको ओरिजिनल ए मैट्रिक्स लिखना होगा। इज इक्वल टू आई, आई मतलब 3x3 का क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। ओके, नाउ अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। आपको यहां पे फर्स्ट रो, यहाँ पे रो को इंडिकेट कर देना है फर्स्ट मैट्रिक्स में, यहाँ पे कॉलम को इंडिकेट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन। तो 0 + 0 0 प्लस इन दोनों का एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों का एक्स स्क्वेयर, पहला एलिमेंट खत्म। पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे क्या आएगा, 0 + x (y) - x (y) इन दोनों का प्लस इन दोनों। अब यहाँ पे 0 - xz + xz। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरी रो दूसरे मैट्रिक्स में, दूसरी रो का पहला एलिमेंट कैसे आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों का 0 + xy - xy, 4y² + y² -(-+y²), इन दोनों का 2yz - yz - yz। फ्रेंड्स ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 0 - xz + xz, इसका 2yz - yz - yz, इन दोनों का z² - -(+z²) + z² इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, नाउ अब आपको यहां पे इसको और ज्यादा सॉल्व करना है। तो यहां पे 2x², ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहां पे आ गया 0, यहां पे कितना बनेगा 6y², यहाँ पे 0 बन गया, ये 0 बना, ये 0 बना, यहाँ पे 3z² इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 2x² इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 6y² इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 3z² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो x² इज इक्वल टू 1/2 आया, y² इज इक्वल टू 1/6, z² इज इक्वल टू 1/3। ओके फ्रेंड, नाउ तो x आपको कितना मिलेगा, +(-1/√2, y आपको क्या मिलेगा, +(-1/√6, z आपको क्या मिलेगा, +(-1/√3। फ्रेंड्स ये हो गया मेरा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 मैट्रिक्स दिया इज इक्वल टू 0 दिया, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपको एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा कि इन पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले मैं देखूंगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या होता है, 1/3, इसका ऑर्डर क्या आता है, 3/3। तो ये इस पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जितना है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल
बनेगा ओके और आंसर क्या आएगा 1/3 ओके पहले मैं इसको रो में इंडिकेट करता हूँ ये क्या है कॉलम ओके फ्रेंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए यहां पे आंसर क्या आएगा 1/3 में तो एक रो होगी और 3 कॉलम होगी तो एक रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट तो यहां पे क्या आएगा 1 1 प्लस 4 प्लस 1 फिर आएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0 फिर आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 2 इनटू यहां पे मुझे क्या दिया है 0 टू एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स दिया है ओके ये नल मैट्रिक्स होगा नाउ अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स अब आपको यहां पे हो गया 6 यहां पे आ गया 2 यहां पे क्या आ गया 4 एंड ये मैट्रिक्स है 0 टू एक्स इज इक्वल टू कोई नल मैट्रिक्स है ओके अब आपको इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है ये 1/3 मैट्रिक्स है ये 3/3 रो एक कॉलम मैट्रिक्स है ओके तो नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा हाँ होगा और आंसर क्या आएगा एक ही एलिमेंट 1/1 में आएगा देखिए यहां पे तो एक रो एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा मैं आपको तो यहां पे आपको क्या दिखेगा यहां पे लिख देते 6 2 4 इंटू यहां पे क्या होगा 0 2 एक्स इज इक्वल टू कोई नल मैट्रिक्स है नाउ आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हो गया 0 प्लस रो यहाँ पे रो से इंडिकेट किया यहाँ पे कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4 एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स ये 0 मैट्रिक्स है ओके तो ये क्या हो गया 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो -1 दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर यहां पे 8 दिया गया है 8 में आपको एक बोला है ये मैट्रिक्स दिया है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई फाइंड करो तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको पता है ए इंटू ए करना पड़ेगा 3 1 -1 2 यहां पे 3 1 -1 2 दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 9 प्लस माइनस 1 पहला एलिमेंट खत्म फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये होगा 3 प्लस 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 प्लस 4 ओके तो यहां पे मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स ये होगा 8 ये होगा 5 -5 ये होगा 3 आपको ए स्क्वायर का आंसर ये मिल रहा है अभी नाउ यहां पे मैं वैल्यू डालूंगा ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7i इज इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है अच्छा 0 मुझे बताना है ठीक है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी तो इसको मैं आगे इक्वल टू लिख दूंगा नाउ मैं इसको सोल्व करूंगा ए स्क्वायर की जगह पे मैंने ये मैट्रिक्स जो फाइंड किया है वो लिखूंगा माइनस a इंटू 5 ए के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे क्या आएगा 15 ये 5 ये माइनस 5 ये 10 प्लस 7 इंटू आई तो 7 इंटू आई मतलब आई यहां पे कौन से ऑर्डर का होगा 2×2 का होगा तो यहां पे क्या आएगा 7 0 0 7 नाउ अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कैसे करेंगे मैं आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे आएगा 8 -15 + 7 यहां पे क्या आएगा 5 -5 + 0 यहां पे आएगा -5 -5 + 0 यहां पे क्या आएगा 3 -10 + 7 ओके अब आप देख सकते हो यहां पे ये कितना हो गया 15 -15 ये हो गया 0 ये भी 0 ये 0 ये 0 तो ये क्या मिल गया मुझे एक नल मैट्रिक्स मिल गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया RHS LHS मैंने ये सोल्व करता गया RHS मुझे क्या मिला फ्रेंड्स 0 मिला नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ये क्वेश्चन किसके जैसा हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 किया है उसी के जैसा है ओके फ्रेंड्स तो यहां पे मैं ये डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूं ओके फ्रेंड्स मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है इन दोनों का पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहां पे पहले मैट्रिक्स में मैंने रो को इंडिकेट कर दिया दूसरे में
कॉलम को, तीन कॉलम थी तो तीनों कॉलम को इंडिकेट कर दिया ना। इसका ऑर्डर था 1/3, इसका था 3/3, तो ये दोनों ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 1/3। तो एक रो तीन एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट हो गया और एक रो हो गई। ओके फ्रेंड्स, कैसे किया, यहां पे करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 × x x + 0 − 2, x माइनस टू, फिर 0 − 10 0, तो ये −10 आया, 2x − 5 − 3, तो यहां पे, और ये मैट्रिक्स एज इट इज। तो यहां पे अब आपको ये दो मैट्रिक्स बने, यहां पे 1/3 का, ये 3/1 का मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। तो फिर से ये दोनों का ऑर्डर सेम, ये दोनों आंसर सेम है 3-3, तो ऑर्डर आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। तो इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को रो से इंडिकेट किया, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम से इंडिकेट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब x − 2 × x + −10 × 4 + 2x − 8 × 1 इज इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया। अब इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 48 आया था फ्रेंड्स, और x की वैल्यू मुझे क्या मिली, फिर प्लस और माइनस 4 अंडर रूट 3 मिल सकती है। ओके,